भैया बहुत अच्छा लगता है इन सड़कों में, ऐसा लगता है हम लोग पेरिस में घूम रहे हैं। बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत ही अच्छी। ठीक है, महंगाई गैस के हिसाब से तो हमको ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर तुलना की जाए तो ये आखिरी बार सड़कें कब बनी थी आपको याद है? ये सड़क आखिरी बार कब बनवाई गई थी? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज बैसारा क्षेत्र में खड़े हैं, देख रहे हैं, ये एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ये कानपुर से रायबरेली को जोड़ता हुआ एक हाईवे है। और स्थिति यहाँ की ये है कि योगी सरकार जब बनी थी, सरकार बनने के 3 दिन बाद ये फरमान दिया गया था कि यहाँ की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, और अब सरकार खत्म होने के कुछ ही महीने बाकी हैं और स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है, सड़कें भरी नहीं गई हैं। अगर सड़कों का हम आपको हाल दिखाने लगे, ये यहाँ से ऊपर बोर्ड लगा हुआ है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का, आप सभी देख सकते हैं। यहां से अगर हम सीधा शुरू करें, लालगंज की शुरुआत होती है यहां से, और सड़कों की स्थिति यहां पर यह है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। गड्ढा मुक्त जो दिया गया था, नारा दिया गया था योगी जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, वो कहां चला गया, कागजों में विलुप्त हो गया, क्या हुआ उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर हम इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सड़कों के बीचों बीच गड्ढे मुंह फैलाए खड़े हुए। आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें घुसिए, मरिए, अस्पताल जाइए, जो भी जैसी भी स्थिति होती है आप झेलिए। ये स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज की। गड्ढा यहां कब भरेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन स्थिति वैसी ही रहेगी। हम आपको एक दिखाते हैं, यहां से थोड़ा सा आगे मार्केट तक का टूर दिखाते हैं आपको अपने साथ चलते हुए, और आपको हम दिखाते रहेंगे, हम बाइक से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहां पर कैसी स्थिति है। आइए चलते हैं, फिर आगे लोगों से बात। हमने आपको जो नजारा दिखाया, ये मुझे लगता है महज 1 किलोमीटर से भी कम का एरिया था जितना हमने आपको दिखाया है, और अभी यहाँ पर कुछ इनको भर दिया गया है, हल्का फुल्का ये बजरी वजरी डाल के और ये पत्थर डाल के इनको भर दिया गया है। मैं तो कहूंगा भरने के बाद इनको और खूंखार बना दिया गया। कोई अगर गिरेगा इस पे तो अंदाजा लगाइए उसका सर फटेगा, क्या फटेगा, उसकी स्थिति क्या होने वाली, गिरनास हो जाएगा जी, गिरनास हो जाएगा, गिरनास हो जाएगा इस गड्ढे से। अभी अभी इससे पहले कितने थे, अभी क्या स्थिति थी? ये अब तो मान के चलो नॉर्मल हो गया, नहीं तो पहले करीब इतना गहरा था। हाँ। बारिश के समय में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि टायर कितना नीचे जाएगा। रिक्शे तो आए दिन पलटते थे और बाइक वालों के भी आए दिन पंचर, ये वो, और बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और ये स्थिति यहाँ कब से है? अरे करीब मुश्किल से मान के चलो पूरा साल ही जा रहा है। इसी साल से या इससे पहले? नहीं, ये पूरा साल ही बीत रहा है। हमें तो लगता है जब से ये सरकार बनी है, अरे उसकी तो बातें छोड़ दो, जब से सरकार बनी तो पूरी है कानपुर तक पूरी धोखे रोड। आखिरी बार ये रोड कब बनी थी कुछ याद है? ये जैसे कहने का मतलब कपड़ा फट जाता तो उसके ऊपर चौंदा लगा लेते ना, वो होता है खाली बात। ये रोड पूरी कच्चा, दामल नहीं डाला जाता है, खाली गिट्टी और मिट्टी दोनों मिला के। ये ऐसे ही कहीं गड्ढे गुड्ढे होते तो इस तरीके से बना दी जाती है, और पूरा इसको आखिरी बार कब बनाया गया था याद नहीं है। योगी जी का भले ही गड्ढा मुक्त मिशन आया हो, लेकिन उसका असर हमारे यहाँ नहीं दिखा, इस क्षेत्र में उसका तो कोई असर। वो तो खाली टीवी पे इस पे सब पे कहन बढ़िया चल रहा है। और अभी दोबारा चुनाव आने वाले हैं, जब उनका उनका जब सरकार बनी थी तो पहले महीने में ही उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त कर देंगे 6 महीने के अंदर। अब मुक्त में गड्ढा है, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, मुक्त में गड्ढा है जी। तो ये स्थिति देख रहे हैं, और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम और भी यहाँ के ये जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस विषय में। आइए चलते हैं, ये कुछ यहाँ पर बैठे हैं हमारे सीनियर, और ये लोग मुझे लगता है आए दिन देखते होंगे इस गड्ढे से लोगों को आते हुए जूझते हुए। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं।
नमस्कार, आपका नाम क्या है? मिश्रा जी। तो आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं लोकल। ये जो स्थिति है सड़कों की, कब से देख रहे हैं आप इस प्रकार? के 1.5 साल से जो है, लेकर दादागंज से लेकर बीघापुर तक जो है स्थिति बड़ी खराब है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ कई लोगों एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग मर भी गए, कुछ इंजर्ड हो गए। अभी परसों SGH पास एक आगे थोड़ा सा 100 मीटर आगे एक नॉन स्पार मर गया। ये स्थिति, और ये क्षेत्र जो है यहाँ से भाजपा के विधायक हैं और ये सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र पड़ता है, उसके बाद भी स्थिति यहाँ की ये है। योगी जी का जो मिशन आया था गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, उसका क्या कुछ दिखाई दिया था? उसका गड्ढा मुक्त 50% नहीं दिखाई पड़ा। हम मौके वाले स्पार्ट देख रहे हैं, दुनिया नहीं देख रहे हैं कि आन स्पार्ट में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा। तो जो आने वाला चुनाव है, कम से कम इस विधानसभा क्षेत्र में इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। तो जब आप लोग यहाँ से वोट देने जाएंगे, अपने विधायक को चुनने जाएंगे, तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? हम तो मुख्य जो विकास पर और उनकी जो जनता के हित में जो काम करेगा उसी को मैं करूँगा, चुनूंगा। ये सड़कों की, ये आखिरी बार सड़कें कब बनी थी आपको याद है? ये सड़क आखिरी बार कब बनवाई गई थी? ये तो अमूमा के 4 साल हो गया होगा, 4-5 साल पहले बनी। 4-5 साल मतलब इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सरकार बनी, मतलब ये सड़क बनवाई ही नहीं गई, और सरकार के जो वादे हैं वो धरातल पर उतरे ही नहीं है। इस बारे में आप भी कुछ कहेंगे? धरातल पर कुछ नहीं, रोडें तो सब खराब पड़ी है, रोड तो गांव तक की खराब पड़ी है, कहीं भी कोई रोड में आने जाने लायक नहीं है। कंप्लेन वगैरह कभी कुछ? कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं किया हमने, कंप्लेन कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ दबा दी जाती है ऊपर उच्च अधिकारियों एवं जो ठेकेदार इंजीनियर वगैरह के द्वारा, सब दबा दी जाती कंप्लेन, क्योंकि साझा खेल चलता है, कोई सुनवाई नहीं आम जनता की। ये विधायक जी हैं अपने यहाँ से धीरेन्द्र बहादुर सिंह, चुनाव के बाद कितने बार उनके दर्शन हुए हैं? चुनाव के बाद हमको, चुनाव के 10 दिन बाद एक जनसभा धनबाद में किया था, उसके बाद नहीं दिखाई दिए। उद्घाटन वगैरह होता होगा तब तो पहुँचते ही होंगे। अब उसकी विषय में उद्घाटन न बुलाए जाए, वही अपने चुनिंदा आदमी बुलाए जाते हैं, नेता नगरी वाले जो उनके खास होते हैं, और उन्हीं को अपना जो आगे पीछे रहे उन्हीं बुला करके उन्हीं सामने हो जाता, आम जनता को नहीं बताया जाता। तो कयास लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार उनको फिर से भाजपा टिकट देगी? ये तो जनता फैसला करेगी। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये सड़कों के बारे में क्या कहना है आपका? गुजरते होंगे यहाँ से सुबह शाम? भैया बहुत अच्छा लगता है इन सड़कों में, ऐसा लगता है हम लोग पेरिस में घूम रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत ही अच्छी सड़कें हैं। आनंद आता है झटके? बहुत आनंद आता है, पूरा मजा आता है भैया झटकों में तो ठीक लगता है। पूरा मजा आता है। ये आनंद कब से मिल रहा है? ये आनंद मिल रहा है ये तो कई वर्षों से मिल रहा है, लेकिन हम किसकी बात करें, हम कोई विशेष किसी सरकार पर नहीं, किसी विशेष सरकार पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे हम। विधायक जी पर कुछ कहेंगे क्षेत्र के? क्षेत्र के विधायक जी ने तो कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ पुल वगैरह बनवाए हैं, सरेनी क्षेत्र की कुछ सड़कें भी ठीक दुरुस्त करवाई हैं, जो 20 सालों से नहीं ना किसी सरकार ने गौर नहीं किया था उन पे, करवाया है। अब लेकिन अब ये विधायक जी का की बस का तो है नहीं, ये नेशनल हाईवे है तो इसको अपना केंद्र सरकार देखे। और यहाँ से सांसद जो है हमारी माननीय सोनिया गांधी जी हैं, उनका गढ़ है ये, और सोनिया गांधी के पहले इंदिरा गांधी और उससे पहले से उनके पति फिरोज खान, फिरोज गांधी, उनके समय से जो है ये संसदीय क्षेत्र है। और आज इसकी स्थिति ये, यहाँ पर विकास के नाम पे एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, जहाँ पर बाहर से आके लोग काम करके चले जाते हैं, और यहाँ के लोगों को मिलना क्या है उससे महंगाई। सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सोनिया गांधी तो सुपर पीएम के नाम से भी जानी जाती हैं, हमारे यहाँ की हमेशा सांसद रही हैं, वो उनकी सास भी यहाँ से रही हैं, और उनका गढ़ है ये, ठीक है। अब ये तो दुर्भाग्य है रायबरेली का, रायबरेली की जनता का दुर्भाग्य है कि अब क्या बताएं हम आपको आगे, आप खुद ही समझदार हैं। बाकी कहने का मतलब ये है, प्रियंका गांधी जी बनारस जा करके मोदी जी के गढ़ में स्टेंथ लगाने की कोशिश कर रही हैं, वो ठीक है, लेकिन एक बार जरा अपने माता जी के संसदीय क्षेत्र में आ जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको यहाँ आना है वोट मांगने, और ऐसा ना हो कि जब आप वोट मांगने आए तो आपका वही हाल जनता कर दे जो अमेठी में राहुल गांधी जी का किया था। आपकी बार उनका हाल यही होगा? हाँ श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाया गया था, मोदी जी जब आए थे तो उसका उद्घाटन करके गए थे, और वो 2 सालों से बंद है। 2 सालों से बंद है, और उद्घाटन के 4 महीने बाद ही वो पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया।
सबसे वैसे का वैसे पड़ा हुआ है और टूल टैक्स जो है लोगों से जो है वसूला जा रहा है, गलत बात है ना। और अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो आपको वहां पर ले चलेंगे और वहां पर जो लोग रहते हैं उनसे बात करेंगे और आपको वहां का भी नजारा दिखाएंगे। तो बहुत बहुत तो सेल्फी पॉइंट बन गया है ना वो, यहाँ के लालगंज के बच्चे जाते हैं वहाँ सेल्फी लेते हैं। और अब तो टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक वीडियो बनाते थे वहाँ, वही बनता है। युवाओं के लिए एक अच्छी जगह बना दी बस यही कह सकते हैं। और वहाँ पर पार्टी वगैरह होती, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है शाम को जो है भैया, कुछ लोग पौवा हुआ लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे अपना जो है, अरे काफी चीजें होती है शाम को, वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लोग बड़ी भीड़ भाड़ रहती है, बड़ा चहल पहल रहता है, लगता ही नहीं कि हम किसी नेशनल हाईवे पे जो है, ऐसा लगता है हम किसी पार्क में आके बैठे हैं, जुहू चौपाटी में आके बैठे हैं। जी सड़कों के बारे में ही कुछ बताइए, कब से देख रहे हैं इन्हें आप? सड़क तो ये काफी गड़बड़ चल रही है लेकिन इस पे काम चालू हो चुका है पीएमसी का। अच्छा। और उम्मीद करते हैं कि 1.5-2 साल में बनने का है। अभी जब इतने दिन तक सरकार थी योगी जी की, डबल इंजन की सरकार है, अभी तक नहीं हुआ, चुनाव आने वाला है तो चुनाव में ऐसा होता ही है, सभी सरकारों का हाल यही रहा है, जब भी चुनाव होता है लोग इस तरीके से अपनी कार्य योजना को बढ़ा देते हैं और चुनाव ना हो तो विकास कार्य भी नहीं होगा, यह स्थिति है। और ये यहाँ पर एक ये आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कहें, होटल कहें, गुमटी कहें या जलपान गृह कहें, यहाँ पर अभी स्थिति देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे के बगल में है और बिजली का क्या इंतजाम है मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, और गैस का क्या इंतजाम है वो नीचे आग जले, गैस से मुझे याद आया एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, लगभग 1000 पहुंच रहे हैं, तो मतलब आपको सुकून मिल रहा है, एलपीजी 1000 में है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ये बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही, हमको गाड़ी में भी दिक्कत नहीं आ रही, पहले 500 का डलवाते थे 50 रुपए का डलवा के काम चला लेते हैं भैया, क्या करें भैया, चल रहा है सब ठीक। हाँ चल रहा है। गैस का मतलब ये है ना कि यूपीए की सरकार में जो गैस के रेट थे और उसकी सापेक्ष अगर आप तुलना करते हैं तो बहुत ज्यादा गैस के रेट नहीं बढ़े हुए हैं। आप उस समय देख लीजिए करीब 650 के आसपास, अभी तो 1000 पहुंच गया, 1000 साल को था भैया, नहीं नहीं वो ठीक आप कह रहे हैं, 950 हो गया, 950 हो, हाँ तो 11-12 पहुँचने वाला है। नहीं वो तो ठीक है कि पहुँचने वाला है लेकिन उस महंगाई के सापेक्ष आप देखिए, जैसे कि पिछली सरकारों ने किया है उस हिसाब से हम, मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा है। ठीक है तो मतलब महंगाई ठीक है, ये महंगाई गैस के हिसाब से तो हमको ठीक लग रहा है क्योंकि अगर तुलना की जाए तो ठीक है पिछली सरकारों से। और ये कोविड के समय में बहुत सारे लोगों का रोजगार छीना और उनकी कमाई नहीं है तो गैस कैसे भरवाएंगे, ये जो उनका सभी के घर तक ये जो गैस सिलेंडर बढ़ाई नहीं गई है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई नहीं गई है, बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की मजदूरी की भी जो है सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, तो अब उनके लिए सही है जिनके पास अकूत दौलत भरी है बहुत सारा पैसा है तो उनके लिए सही है महंगाई, आम जनता के लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। कौन लगता है आपको कि 2022 में इन सब चीजों से समाधान दिलवा सकता है? 2022 में यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, 2022 में तो जो है बीजेपी फिर से सरकार बना लेगी, योगी जी फिर से सरकार बनाएंगे। अगर योगी जी की ना बनाए मान लीजिए तो कौन है जो इन सब से निजात दिला सकता है? निजात तो मुझे नहीं लगता है कोई दिला सकता है, कोई पार्टी नहीं दिला सकती है, कोई पार्टी सब जो है वोट के चक्कर में, बस राजनीतिक चक्कर में, बस जनता इसमें जो है पिसती रहती है, बस कुछ नहीं है और कुछ नहीं भैया, कोई निजात नहीं दिला सकता है। क्या खास मुद्दे बन सकते हैं 2022 के चुनाव में? खास बिजली, पानी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये खास मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे अभी दिख रहे हैं क्योंकि चुनाव में थोड़ा सा समय है, मुझे लगता है चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा मुद्दे क्या होंगे, राम मंदिर, ब्राह्मण तो अभी से चल रहा है ब्राह्मणवाद, तो ये सारे मुद्दे भी, राम मंदिर मुद्दा जो है कितना प्रभावी होगा, असर डालेगा कुछ चुनाव में? हाँ डालेगा, बिल्कुल डालेगा, बिल्कुल डालेगा, काफी हद तक डालेगा भाई, लोग जो है चाह रहे थे कि जो है अयोध्या में राम मंदिर बने तो चलो अच्छी बात है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, नींव वगैरह भरी जा रही है तो काफी फर्क पड़ेगा इसका जो है, तभी मैं बस बता रहा हूँ कि 2022 में फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी। चलिए यहाँ पर लोगों से बात करके अच्छा लगा, लोगों का मानना है कि समस्याएं चाहे जो भी हों लेकिन सरकार बीजेपी दोबारा बनाने में समर्थ है और वो 2022 में एक बार फिर से सरकार बना लेगी। हम उतरे थे यहाँ पर सड़क के मुद्दे को लेकर और सड़कों की स्थिति बताते हुए हमने आपको थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाया और सड़कें जिस कदर
दिख रही हैं अभी तो देखिए थोड़ा सा भीड़ हो गई है। ये मेन जो है टाउन एरिया के बाहर का इलाका है और यहाँ पर सड़कें इस तरह हैं, अंदर भी पूरा इसी तरीके से और भयानक भयानक सड़कें हैं, खोले बैठी हुई हैं। ये लोकल के मुद्दे भले लगते हों, भले ये सड़क आपको एक टाउन एरिया की लगती हो, लेकिन ये मुद्दा चुनाव में बनेगा जरूर। ये कोई छोटा मोटा नहीं, नेशनल हाईवे है। और अगर यहाँ की स्थिति ये है, आप एक छोटा सा अगर क्षेत्र उठा लीजिए तो आपको उसी से अंदाजा लगेगा पूरे देश की स्थिति क्या होगी। आने वाले दिनों में हम और भी कई क्षेत्रों में जाएंगे और हमारी सरकार से मांग है कि जरा ध्यान दे दीजिए। यहाँ की जनता ने आपके विधायक को जिताया है और यहाँ के विधायक जी से भी मेरा अनुरोध है कि कभी कदार अगर आप इन सड़कों से गुजरते हैं तो एक बार इन झटकों को महसूस करिए। अगर आपकी गाड़ी बहुत VIP है, झटके नहीं महसूस होते हैं, तो कभी किसी दो पहिए से निकल के देखिए, शायद कोई झटका आपको लग जाएगा। और एक आध बार जब आप अगर यहाँ ज्यादा तेज झटका खाएंगे, हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस बात का अंदाजा लगेगा कि तकलीफ क्या होती है। सड़क सिर्फ देखने के लिए खराब नहीं होती है, खराब सड़क किसी की जिंदगी खराब कर सकती है, किसी का घर उजाड़ सकती है। इस वजह से इनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और जिला प्रशासन से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया थोड़ा सा संज्ञान लीजिए इस पर, और ये बहुत मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं अक्षय प्रताप सिंह, हिंदी और हिंदुस्तान, कैमरामैन अभिषेक जायसवाल के साथ, धन्यवाद।